हेलो दोस्तों, माय ओन टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप पेटीएम मनी में ऑटो पे एसआईपी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी एसआईपी रुके ना और आपके बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट ऑटोमेटिक कटता रहे और आपकी एसआईपी हर महीने होती रहे। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने बैंक को ऑटो पे एसआईपी के लिए एक्टिव करना होता है। उसके बाद आपका पेमेंट ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता जाएगा जैसा कि आप सेट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पेटीएम मनी में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपना पेटीएम मनी ऐप ओपन करना है। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल खोलना है। यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट ऑप्शन में और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका नेम वगैरह देखने को मिलेगा। इसके बाद माई अकाउंट में दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ऑटो पे, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद ऑटो सेटअप के लिए आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा सेटअप, और नीचे भी आपको यहाँ पे ऑटो पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आपको सेट करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेट किया है और ये मेरा इन प्रोग्रेस है, यूको बैंक का है। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख की है और यहाँ पे मैंने कर दिया है, और 30 से 45 दिन में अप्रूवल के लिए इसमें लिखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे जब इसमें आप कर देंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको प्रिंट करना होगा और इसमें आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, और उसके बाद आपका वो बैंक में सेंड कर दिया जाएगा जिसके बाद आपका अप्रूवल होगा। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। आपको डाउनलोड करना है मैंडेट फॉर्म, आप ईमेल में आपको आएगा। इसके बाद प्रिंट करके साइन करना है और अपलोड करना है। यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म जो है इसका मिल जाएगा। यहाँ से मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका फॉर्म होगा। दोस्तों, इस छोटी सी प्रोसेस से सिर्फ आपको सिग्नेचर करना होगा, बाकी आपको कुछ लिखना पड़ नहीं है ना ही कहीं ले जाना है। ये फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे सारा डिटेल रहेगा और इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये अपना फॉर्म प्रिंट किया था और उसको सिग्नेचर करके अपलोड किया था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म है जिसको मैंने प्रिंट किया था और सिर्फ यहाँ पे मैं सिग्नेचर किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे, और इसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल ये सब आपको लिखा है और आपका डेट यहाँ पे है, और सिर्फ आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके और फोटो खींच के डालना है। और दोस्तों, जैसे ही आप इसे अपलोड कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आएगा और यहाँ पे योर मैंडेट, और यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट के लिए 15 से 30 दिन के लिए वेट करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद जैसे ही अप्रूव होगा आपको यहाँ पे ईमेल द्वारा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पेटीएम मनी में ऑटो पे सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।